नमस्कार, मैं हूं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के 250 करोड़ के सेंट टेरेसा घोटाले में पुलिस ने 28 नवंबर को 28 आरोपियों सहित एक संस्था को भी आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस व प्रशासन की पीठ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर थपथपाई। वही मुख्य आरोपी 20,000 का इनामी उद्घोषित सुधीर जैन पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। इस पूरे मामले में तकरीबन सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है। वही मुख्य उद्घोषित फरार इनामी आरोपी सुधीर जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने धार पुलिस से सभी आरोपियों की संपत्ति व ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी मांगी। पुलिस के द्वारा यह जानकारी कल ईडी को सौंप दी गई है। जैसा कि धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया, उन्होंने बताया कि उद्घोषित फरार आरोपी सुधीर जैन व अन्य आरोपी जो कि फरार है, उनकी इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। वही ईडी को कल पुलिस अधीक्षक ने मुख्य आरोपी सुधीर जैन व अन्य आरोपी की ईडी के द्वारा मांगी गई संपत्ति, ट्रांजेक्शन व अन्य के नाम ली गई संपत्ति व सौदों की जानकारी ईडी को भिजवा दी गई है। कल आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। इंटरेसा कंपाउंड मामले में ईडी ने धार पुलिस से इन्फॉर्मेशन मांगी थी। उसकी इन्फॉर्मेशन हमने कल ईडी को भिजवा दी है, ईडी के इंदौर ऑफिस को भिजवा दी है, जिसमें जो प्रारंभिक विवेचना में अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं, उसमें सुधीर जैन का जो ड्राइवर है नवीन यादव, उसके नाम पर एक हक्तियार, एक लीज डीड और करीब 16 प्रॉपर्टीज़ निकल के आई हैं, जिनका मूल्य करोड़ों रुपए में है। और इस प्रकरण से जुड़े अन्य भी जो आरोपी हैं, उनकी जो अवेलेबल जानकारी थी वो हमने भिजवाई है। और पुलिस सुधीर जैन और अन्य फरार आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करेगी और इन पे अब इनाम भी बढ़ाया जाएगा। अपने प्रकरण में लगातार जांच जारी रखेगी और ईडी पैरेलल अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इस जो इकोनॉमिक एंगल वाली और इसमें बेनामी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसकी जांच ईडी द्वारा की जाएगी।